नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर के बारे में, जो कि गाइस बहुत ही एक चौंका देने वाला वाक्य हुआ। तब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में मैच चल रहा था, तो उसके बाद तो डेविड वार्नर ने 65 रन मारे थे, जो कि एक विस्फोटक पारी थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर की। तो ये कौन मतलब बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी नॉर्मली बातचीत चल रही थी, तो जैसे ही वो सीट पे बैठे, बैठने से पहले उन्होंने कोका कोला की बोतलें देखी, और वहां पे उठाने से पहले उन्होंने एक शब्द का यूज किया कि क्या मैं इन्हें उठा सकता हूँ, और उठा के अपने पास रख ली। फिर जैसे ही मतलब जो मैनेज करते क्या हैं मिस दिस आईसीसी की तरफ से, तो वो तुरंत ही भागता भागता डेविड वार्नर को कहता है कि शायद मुझे लगा कि इस तरीके के वर्ड्स कहता है ये मेरे तरफ से, कि सर ये एडवर्टाइजिंग है और आप बोतलें वापस रख दीजिए। फिर वो चला जाता है, फिर उसके बाद वो तोहा से आते हैं फिर और दोबारा से रख देता है डेविड वार्नर। तो उसके बाद गुड वो नफ फॉर एक शब्द का क्रिस्टियानो, गुड यूज नफ करता है कि ये फॉर रोनाल्डो के लिए अच्छी नहीं है तो ये मेरे लिए भी अच्छी नहीं है, तो इस शब्द का यूज करके फिर वो आगे अपनी कॉन्फ्रेंटेशन चालू कर देता है। लेकिन गाइस इसे रखने के बोतलों को रखने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मली चालू कर देते हैं। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या डेविड वार्नर ने कहीं ना कहीं रोनाल्डो को फॉलो किया है, और रियल लाइफ में तो गाइस रोनाल्डो ने 2020 में पुर्तगाल में टूर्नामेंट चल रहा था, तो उस मतलब जीतने के बाद वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही वो पहुंचे, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोग दे चुके थे, तो जैसे रोनाल्डो पहुंचे उन्होंने कोका कोला की बोतलें उठाई थी, वो साइड में रख दी थी, और फिर नॉर्मली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू कर दी। उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा, नॉर्मली बातचीत चलती रही। लेकिन गाइस वो बोतलें उठाने से $5.2 बिलियन का नुकसान हो चुका था कोका कोला को, जिससे गाइस 1.6% मतलब जो उसका शेयर मार्केट है नीचे आ गया था सिर्फ रोनाल्डो की बोतल उठा के साइड में रखने से। लेकिन गाइस क्या डेविड वार्नर की बोतल उठा के अंदर रखने से, फिर दोबारा रखने से क्या कोका कोला की शेयर मार्केट नीचे गिरी होगी, और कितना नुकसान हुआ होगा? तो गाइस ये कोका कोला की तरफ से कोई मतलब बड़ा बात की जाए इफेक्ट नहीं था। और जो इसके मैच मतलब रोनाल्डो की गाइस बात यह है कि वो वर्ल्ड फेमस प्लेयर हैं, लेकिन बात की जाए डेविड वार्नर की तो फेमस हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम के साथ। तब इंडिया में आईपीएल चल रहे होते हैं, या मतलब तब हाई टीआरपी गेम चल रहे होते हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होते हैं तब हाई टीआरपी गेम चल रहे होते हैं इंडिया में स्पेशली। लेकिन वर्ल्ड कप में जैसे कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के लोग ज्यादा ही देख रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, ना कंपनी की तरफ से इस चीज पर कोई रिएक्ट किया गया। लेकिन गाइस आईसीसी के ऊपर जरूर रिएक्ट किया होगा कोका कोला ने, कोई भी उठाता है, कोई भी प्लेयर आता है हमारी बोतल उठा के साइड में रख देता है, लोगों पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कि क्या यार मतलब इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बाद वो साइड में रख रहे हैं, तो क्या हमें नॉर्मल लाइफ में पीनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक? तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है। मैं इस पर अपनी कोई धारणा नहीं दे रहा कि पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, आप नॉर्मली साइंटिफिक कोई भी रिसर्च उठा के देंगे तो उसमें तो डायरेक्टली मना करते हैं कि आपकी आंतों के लिए खराब होती है, और जो गैस होती है वो मतलब गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आंतों को फाड़ने तक का काम कर सकती है, क्योंकि तब गैस बनती रहती है, तो गैस बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन गैस ये मेरे वर्ड नहीं है, ये रिसर्चर के वर्ड्स है। और बात की जाए Can I इसमें use this? कि कोका कोला को कितना घाटा हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली मैच खत्म होने के बाद मैक्सिमम लोग जो है वो बंद कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लिमिटेड मुट्ठी भर लोग ही देखते हैं, क्योंकि रोनाल्डो की बात यह है कि वो पुर्तगाल से जीत के आए थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मैच था, तो उनकी पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं। लेकिन गाइस बात की जाए क्रिकेट मैच में ऐसा नहीं होता, रन मार दिए मोर देन सफिशियंट है, ड्रीम 11 वाले हो गए या अनदर जो नॉर्मली मैच में पैसा लगाते हैं, वैसे सट्टेबाजी बंद है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कुछ भी लगा सकते हैं, घर बेच के भी लगा दे तब भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, तो उस पे ही और वही लोग थोड़ा अट्रैक्ट रहते हैं। बाकी तो नॉर्मल लोग पीपल क्या करते हैं कि मैच खत्म हुआ, अपने ट्रीटमेंट करा, वो खत्म हो गया। तो गाइस ये फाइनली जो दी हिंदू में ये खबर छापी गई है, और जो रियली गाइस बहुत ज्यादा इफेक्टेड है कि आपको ड्रिंक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक गाइस वैसे तो अच्छी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग मना कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन गाइस कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने का लॉस हुआ, लेकिन गाइस रियली बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है कोका कोला कंपनी के लिए कि अब शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।